यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक टेबल के अंदर नंबर्स लिखे पड़े हैं। कुछ नंबर्स यहाँ पर प्लस का साइन है बीच में, ठीक है, कुछ यहाँ पर नॉर्मल नंबर है। हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट यहाँ पर आ जाए और नंबर यहाँ पर आ जाए। अब देखिए, मैंने टेक्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि ये जो एक्सेल है हमारा, इस प्रकार के नंबर्स को टेक्स्ट मान के चलता है। जैसे कि मैं देखिए इन दो नंबर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सम आ जाता है 9500। लेकिन यदि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसका टोटल नहीं आता, ओनली 5500 यहाँ पर लिखा हुआ आता है, इसको टोटल नहीं आता, इसको एक्सेल टेक्स्ट मान के चलता है। अब हमें चाहते हैं कि इसमें ये जो टेक्स्ट हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं, ये सारे इस कॉलम के अंदर आ जाएँ और ये जो नंबर्स हैं हमारे वो इस कॉलम के अंदर आ जाएँ। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे इफ़ लिखने के बाद में टैब की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम दे देंगे इज नंबर का फॉर्मूला, इज नंबर लिखेंगे, उसके बाद में टैब की प्रेस कर देंगे। अब हम ये वाले सेल पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब ये कहता है कि वैल्यू इज ट्रू, तो वैल्यू इज ट्रू में हम ये वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर ये वाला टेक्स्ट आता है तो ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर लगाते हैं कॉमा, अभी कहता है वैल्यू इज फॉल्स। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं पाई जाती तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर डबल कोट में डबल कोट लगाएंगे और डबल कोट के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम ये पूरे सेल को नीचे तक ड्रैग करके ले आएंगे। ये मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया, ठीक है। जितने भी देखे हमारे अमाउंट थे इस कॉलम के अंदर आ गए, और जो हमारे टेक्स्ट हैं, अब उसके लिए हम यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करूँगा, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ लिखने के बाद में टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इज टेक्स्ट, टैब की प्रेस कर देंगे। उसके बाद में ये वाले नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, वैल्यू इफ़ ट्रू, तो वैल्यू इफ़ ट्रू में हम दोबारा से ये वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, यहाँ पर डबल कोट लगाएंगे, डबल कोट में कुछ भी नहीं चाहिए हमें, अगर ये वाले वैल्यू नहीं आती तो कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो डबल कोट लगा के हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब हम इस पूरे फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करके ले आएंगे। हमने इसे ड्रैग किया तो देखिए सभी सेल्स के अंदर टेक्स्ट हमारे आ चुके हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अमाउंट और टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में ला सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का वीडियो होगा। यदि आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको अक्सर यहाँ पर मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।